सो वेलकम बैक टू माई चैनल। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पहले रिएक्शन वीडियो रिएक्शंस देखो थिएटर के। रिकॉर्ड्स टूट गए भाई, मतलब ना वो जो बिल्डअप मोमेंट्स के जो रिएक्शंस होते हैं ना, मैंने जो आज तक देखा है उसके मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स टूट गए। स्पेशली हिंदी फिल्म्स में तो जितने भी मैंने हीरो विलन्स की जितने लोगों की एंट्री सुनी थी, तो मोस्टली रिकॉर्ड्स तो टूट गए। तो देखो और एक्सपीरियंस करो। मैंने मैक्सिमम उसको ब्लर किया है बिकॉज स्ट्राइक लग जाएगा चैनल में, लेकिन तुम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मैक्सिमम सीन्स तो मैंने डाले नहीं बिकॉज स्ट्राइक तो अभी भी चांसेस तो बहुत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैंने ब्लर कर दिया उसको। सीन्स वगैरह कुछ डाले नहीं, मैक्सिमम सीन्स को ब्लर ब्लर किए। सिर्फ एक एक सेकेंड्स के मतलब मैंने वो रिएक्शंस डाले, उससे उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं। बहुत सारे सीन्स थे, वो सब तो मैंने डाले नहीं क्योंकि जो ओपन ओपन मैंने कैप्चर किया हुआ है। मैं लिटरली बोलता हूँ, जो क्लाइमेक्स का सीन था ना भाई, जिसमें मतलब छोड़ो, जिन लोगों ने विक्रम वेदा देखा नहीं उसको स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन जो क्लाइमेक्स का सीन था ना भाई, वहां पर ना लोग चेयर के ऊपर चढ़कर लिटरली कपड़े घुमा रहे थे, शर्ट टी शर्ट खोलकर घुमा रहे थे, वो भी एक मल्टीप्लेक्स में। मैंने आज तक ये सीनारियो किसी हिंदी फिल्म के लिए तो नहीं देखी भाई, किसी हिंदी फिल्म के लिए नहीं देखी। और रिव्यू तो दूंगा अभी, लेकिन ये रिएक्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो अभी तक वो उतरा नहीं है, सर से उतरा नहीं है, सर से गया नहीं है, वो फील गया नहीं है। वो हंगामा जो तबाही मचा था वहाँ पर, जो मतलब जो ब्लास्ट हुआ था थिएटर के अंदर, वो गया नहीं है। तो मूवी वाइज तो मैं बताऊँगा, फॉल्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ना भाई क्रेज बिल्टअप, मतलब फायर मोड जो होता है ना, वो मतलब वो किसी सुपरस्टार के अंदर कंटिन्यूशंस में होना बहुत टफ होता है। एंड ऋतिक रोशन ने प्रूव कर दिया भाई, तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो कंटिन्यू वो जो कंटिन्यूटी होती है ना स्टारडम की, वो फैन फॉलोइंग की, वो क्रेज की, वो इमेंस क्रेज जो पब्लिक के बीच में है, वो ख़त्म होने वो बंदा नहीं देगा। एक तो ये, और दूसरा वेट कर रहे हैं 25 तारीख को आ रहा है वो, उसका वेट कर रहे हैं, वो भी वही है, वैसा ही है, बस फिल्में सुलाने वाली दे रहा है। लेकिन जिस दिन वो एक्शन करना चालू करेगा ना, सिनेरियो ऐसा हो जाएगा कि मुझे 50-60 वीडियो तो सिर्फ रिएक्शंस के बनाने पड़ेंगे। तो रिएक्शंस कुछ ऐसे थे कि चेयर के ऊपर चढ़कर कोई चिल्ला रहा है, कोई पॉपकॉर्न फेंक रहा है, कोई जूस फेंक रहा है, और बाप रे, एंड दैट इज फ्रॉम साउथ। ये साउथ, ये मैं भी मूवी साउथ में बैठ के देख रहा हूँ, थिएटर फुल, थिएटर फुल, एक भी ऐसा सीट नहीं है जो खाली था। इवन सामने की जो वो सर को ऐसा टेढ़ा रख कर देखने वाली सीटें भी फुल थी, ऊपर के नीचे तक सीटें फुल 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 थी। और इतना चिल्लाया लोगों ने, इतना चिल्लाया, मैंने वॉइस को कम किया तब जाकर वो 1 सेकंड की वीडियोस में इतने साउंड आए, मैंने वॉइस को कम किया। कोई हेडफोन्स यूज़ करके अगर उसको सुन रहा होगा तो उसके कान पे लगेगा, लेकिन ओवरऑल बैशिंग बैश कर दिया यार। कितने सीन्स में ऋतिक रोशन आता है, फाड़ डाला, फोड़ डाला, फोड़ डाला। रिव्यू तो मैं दूंगा अभी, पहले ये देख लो, उसके बाद तब तक मैं रिव्यू बनाता हूँ।